AR एंड MR या आगम विधि लिख सकते हैं इसको, आगम विधि, रेवेन्यू मेथड, रेवेन्यू मेथड। आगम विधि, तो इसके अंदर इसको मैथमेटिकल भी कर सकते हैं और क्या बोलते हैं ज्योमेट्रिकल भी हम कर सकते हैं। मैथमेटिकल और ज्योमेट्रिक के अंदर दोनों में डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं क्या ये AR कर्व है, ये आपके पास MR कर्व है, ठीक है, और यहां आपको इस पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी निकाल रही है। ये प्राइस दे रखा है, ये क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहां ई एफ और ये अपने पॉइंट ले लिया जी, और ये अपने पास है एम और ये आपके पास है एन। तो यहां पर जो इलास्टिसिटी है वो आपके पास क्या आएगा, नीचे का क्षेत्र क्षेत्र और ये आएगा क्या ऊपर का क्षेत्र, नीचे का क्षेत्र और ऊपर का क्षेत्र। नीचे का क्षेत्र क्या हो गया ओपी और ये क्या हो गया पीएम, ठीक है। ये नीचे का लोअर सेगमेंट और ये अपर सेगमेंट। अब देखिएगा इसके अंदर ट्राइंगल पी एम ई एंड ट्राइंगल ई एफ जी, यानी ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इनको अगर काट के लगाएं तो एक दूसरे के ऊपर ऐसे चिपक जाएंगे। तो इसके अंदर क्या, कैसे चिपक जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये भी 90 डिग्री का एंगल है, यानी एंगल एम पी एफ इज इक्वल टू एंगल एफ ई जी 90 डिग्री। फिर ये वाला जो कोण है, ये वाला जो एंगल है वो क्या है, एक अंतर कोण है, बराबर है, ये क्या है एम एफ पी इज इक्वल टू ई एफ जी, इसको बोलते हैं क्या एकांतर कोण, यानी बराबर है कोण। तो डेफिनेटली ये भी बराबर होगा, तो उस लिखेंगे सो पी एम, पी एम जो है वो किसके बराबर होगी ईजी के, और अपन को तो वैसे इतना ही चाहिए, पी एफ जो है बराबर होगी किसके ई एफ के। तो ये जो वैल्यू है पीएम की वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ पी एम, पी एम इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये आपके पास होगा E इज इक्वल टू ओपी अपॉन पी एम, तो ओपी अपॉन पी एम की जगह अपन क्या पुट कर देंगे EG, ये हो गया EG, ठीक है। OP किसके बराबर है, EQ के बराबर है, और EG को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, EG, ये EG को लिख सकते हैं EQ माइनस GQ, EQ माइनस GQ। तो ये आएगा क्या, OP की जगह लिखा अपन ने EQ और ये लिखा अपन ने क्या EQ माइनस GQ। तो ये आपके पास हो गया क्या AR और ये आपके पास हो गया क्या AR माइनस MR। तो ये फार्मूला निकल के आया, क्योंकि EQ जो है किसके बराबर है AR के और GQ किसके बराबर है MR के, तो ये हो गया AR अपॉन AR माइनस MR। अब इसको यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा क्या AR इज इक्वल टू EAR माइनस EMR। EMR को आपने इधर भेज दिया और ये हो गया EAR माइनस AR। तो यहां पे से आपने लिखा MR और यहां से कॉमन ले लिया ER और AR तो माइनस वन और इसके नीचे भाग लगा दिया इसका E का। तो ये हो गया क्या MR इज इक्वल टू
ए आर, और इसको किया अपन ने क्या, ई अपॉन ई माइनस वन अपॉन ई, ये हो गया एम आर, और ए आर को अपन क्या लिख सकते हैं, प्राइस, ये हो गया वन माइनस वन अपॉन ई। और ये हमने क्या बोलते हैं, मैथमेटिकली आपको जो मैथ्स की क्लास थी उसके अंदर आपको ये कराया हुआ है। हेलो। हेलो हाँ जी नमस्कार। मैं आपको हेलो का मैसेज डाल दो, मैं लोकेशन भेजता हूँ। ठीक है, वो हमने मैथमेटिकली जो बताया था वैसे वहां से उतार सकते हैं, लेकिन मैं दोबारा से यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ। टी आर बराबर आपके पास क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो इसको अगर आपने क्या किया, डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएशन टोटल रेवेन्यू विद रेस्पेक्ट टू क्वांटिटी, तो ये आएगा क्या, टोटल रेवेन्यू, ये आएगा क्या, डिफरेंशिएशन टोटल रेवेन्यू विद रेस्पेक्ट टू क्वांटिटी, प्राइस साइलेंट डिफरेंशिएशन क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी साइलेंट डिफरेंशिएशन प्राइस विद रेस्पेक्ट टू क्वांटिटी। ये आपके पास बन के आ जाता है एम आर, और यहाँ से आपने क्या कर लिया, पी कॉमन ले लिया, ये हो गया वन, और ये हो गया क्या, क्यू अपॉन पी डी पी अपॉन डी क्यू। और ये आप लोग जानते हैं कि इलास्टिसिटी को अपन लिखते हैं क्या, पी अपॉन क्यू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा, सॉरी डिफरेंशिएशन क्यू विद रेस्पेक्ट टू पी, ये क्या है, इसका रेसिप्रोकल है। तो इसको अपन ऐसे लिखा, वन अपॉन ई पी क्यू अपॉन पी
क्यू अपॉन पी डी पी अपॉन डी क्यू, डी पी अपॉन डी क्यू। और इलास्टिसिटी जो है नेगेटिव होती है किसके अंदर, नॉर्मल गुड्स के अंदर, नॉर्मल गुड्स के अंदर। और जो प्राइस है वो किसके बराबर होती है, ए आर के। तो ये इसके अंदर पुट कर दिया तो आपके पास आएगा क्या, एम आर इज इक्वल टू ए आर वन माइनस वन अपॉन ई। हाँ जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं मैडम? आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? आवाज नहीं आ रही आपकी। फिर हम बात करते हैं क्या कि ये जो हमने लिया कि फार्मूला लेके आए, ई इज इक्वल टू ए आर अपॉन ए आर माइनस एम आर, ए आर माइनस एम आर, ठीक है। तो ये आपके पास ये ए आर कर्व है, ये एम आर कर्व है, और इसको अगर अपन इस तरह से करें तो ये जहां मैक्सिमम होता है वहां पर क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होता है। तो यहां पर आपके पास ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, ये आपके पास एवरेज रेवेन्यू कर्व है, यहां पर टोटल रेवेन्यू जो है आपके पास क्या है, मैक्सिमम है। और एक्चुअल में क्या, इस जगह पे इलास्टिसिटी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, इस जगह पे इलास्टिसिटी क्या होती है, वन होती है, और यहां पर जो इलास्टिसिटी होती है वो कितनी होती है, जीरो होती है। कितनी होती है, जीरो। यहां आपने ले रखा है क्वांटिटी, ठीक है। तो केस फर्स्ट यहां लेके चल रहे हैं अपन, केस फर्स्ट, इफ ए आर इज इक्वल टू एम आर, तो आपने ये वाली पोजीशन पे, तो यहां पर आ गया ई इज इक्वल टू ए आर अपॉन ए आर माइनस एम आर। तो यहां पर आपने किया ए आर और एम, इस एम आर की जगह ए आर पुट कर दिया, तो ए आर माइनस ए आर, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ए आर अपॉन जीरो, तो क्या आएगा, इनफाइनेट। तो यहां पे इलास्टिसिटी कितनी हो गई, इनफाइनेट। केस सेकंड अपन ने लिया कि इफ एम आर इजिकल टू जीरो, एम आर इजिकल टू जीरो, तो ई इजिकल टू ए आर अपॉन ए आर माइनस एम आर, तो ये आएगा क्या, ए आर अपॉन ए आर माइनस जीरो, तो ये हो गया ए आर अपॉन ए आर। तो ये आपके पास इलास्टिसिटी कितनी हो गई, वन। फिर आता है क्या केस थर्ड, कि इफ ए आर इज इक्वल टू जीरो, तो यहां पर एवरेज रेवेन्यू जीरो है, तो यहां पे आएगा क्या, जीरो अपॉन जीरो माइनस एम आर, तो क्या आएगा, जीरो। तो यहां पर जो इलास्टिसिटी है जीरो है, तो डेफिनेटली यहां पे जो इलास्टिसिटी होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन वन, और यहां पे क्या होगी, इलास्टिसिटी लेस देन वन होगी। तो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू से हम क्या बोलते हैं, इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं कि जो इलास्टिसिटी है वो अपनी कैसी पोजिशन बन के आएगी। अगर ए आर इज इक्वल टू एम आर है तो इलास्टिसिटी इनफाइनेट है, एम आर जीरो है तो इलास्टिसिटी वन है, और ए आर जीरो है तो इलास्टिसिटी जीरो है। तो इट मीन्स डिमांड करके अपर सेगमेंट के ऊपर जो इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन वन है, और लोअर सेगमेंट पे जो इलास्टिसिटी है वो क्या है कि वो आपकी लेस देन वन बन के आती है। और जो मार्केट का मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक ओलिगोपोली मार्केट का जो इक्विलिब्रियम होता है वो डिमांड करके अपर सेगमेंट के अंदर होता है, डिमांड करके अपर सेगमेंट के ऊपर। और E इज इक्वल टू वन होता है तो वहां पर जो इक्विलिब्रियम होता है वो होता है कहां पर, प्योर मोनोपोली के अंदर, विशुद्ध एकाधिकारी के अंतर्गत
इक्विलिब्रियम होता